आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए व्लॉग में। और सुबह सुबह ही आज मुझे जाना पड़ा था हाटकोटी सब स्टेशन 7 बजे के बाद। फिर वहाँ से मैं आ गया प्लांट, क्योंकि आइसोलेटर भी लगाना है और मशीन भी चलानी है। पानी भी पीछे से खोला जा चुका है, उस पर लोड देंगे, उसके बाद फिर वहाँ पता चलेगा। और दोनों की रीडिंग भी मैच करनी है, कितना काउंटर है। चलिए मैं अभी आ गया कमरे पे, फिर कपड़े चेंज कर लेता हूँ और फिर मैं जाता हूँ प्लांट। और इधर शशि तैयार अपना फ्रेश व्रेश हो गया है, पढ़ाई कर रहा है सुबह। और यहाँ हर्ष भी आ गया, दोनों आज संडे है, पढ़ाई करेगा। और कल रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं है तो स्कूल भी जाना सोमवार को। और इधर नीतू चाय बनाएगी और मेरे लिए यहाँ खीरा छिल रही है, मैं खा लूँगा फिर नीचे चले जाएंगे, क्योंकि मुझे दिन भर वहीं रहना होगा। और पानी तो आ चुका है, डीजल टैंक को बंद कर दिया गया है वॉल्व, तो पानी आगे आ गया। अभी लाइट नहीं आई है, जब लाइट आती है ना उसके बाद चलाएंगे मशीन, देखते हैं लाइट कब तक आती है आगे से। वहाँ भी काम चला हुआ है, कुछ देर का और है। और अभी तक तो लाइट नहीं आई है सब स्टेशन से, वहाँ काम शायद पूरा नहीं हुआ है। तो मैं भी खाना खाने के लिए आ गया था प्लांट से, फिर जा रहा हूँ नीचे, देखते हैं लाइट कब आती है, फिर मशीन चलेगी। और जंगल की तरफ देखिए, जिधर से पानी आता है हम लोग के यहाँ, कितना तेज घना बादल है, उधर बारिश हो रही है, बिल्कुल एकदम काला काला है। और इधर है धूप, ये देखिए आधे पूरा आसमान साफ, और उधर जंगल की तरफ हाइट है काफ़ी, वहाँ बारिश हो रही है। और हम लोग इधर लाइट नहीं है 4 दिन से, इसके कारण लोग कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना पा रहे हैं। और आज रक्षाबंधन भी है, तो कल का ब्लॉग आज कंटिन्यू कर दिए हम लोग, क्योंकि पूरे पूरे दिन लाइट ही नहीं है कई दिन से, तो जहाँ काम चल रहा है वहीं जाके चार्ज करना पड़ता है। और इधर देखिए नीतू इधर क्या है, गुलाब जामुन की तैयारी करे, चूँकि कल ही बनाना था, तो लोग समझे कि कल लाइट आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। तो आज सुबह सुबह स्नान ध्यान करने के बाद फिर अब बना रही है। इधर चाशनी के लिए चढ़ा दी पानी और चीनी, और इधर गोली बना रही है। बच्चे सब आज स्कूल चले गए, चूँकि प्राइवेट स्कूल तो बंद है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल आज चालू है, तो इसलिए उस सबको दे आए हैं। फिर शाम को 4 बजे छुट्टी होगी, तब लेके आएंगे घर। और हम लोग रक्षाबंधन भी अभी इनकी राखी बांध नहीं पाए हैं, चूँकि समय हम लोग इधर दिया हुआ है 1:30 बजे से 6:30 बजे तक। तो चलिए पूजा तो कर दिए थे सबको मिल के, भगवान जी को कर लिए थे हम लोग पूजा। और यहाँ पे बच्चे तैयार हो गए हैं आपस में ही, बांध सब के नाम से दोनों भाई बांध लेता है और एक दूसरे को भी बांध देता है, दोनों में मेल मिलाप एक साथ अपना रहेगा। और मैं भी बांध लूँगा बहन के नाम से, क्योंकि दूर रहने से तो यही होता है दिक्कत। राखी तो गांव से आ गया था ना, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी, तो अब बांधते हैं। हर्ष पहले आप भैया को बांध दो, ठीक है, रुमाल रखिए सिर पर, रखिए तुम्हारा रुमाल कहाँ है, दिए थे ना, ये रखो ना इधर थोड़ा और खिसक जाओ। पहले हर्ष बांध रहा है शशि को, बड़ा भाई को बांध रहा है, फिर शशि बांध देगा हर्ष को। अब शशि बाबा को बांध देता है हर्ष को,
ऐसे ही दोनों भाई हमेशा आपस में ही बांधता है बहन के नाम से। हर्ष का मिठाई तो रहता है, मिठाई कहते हैं, हर्ष का नज़र रहता है मिठाई पे। अब शशि मिठाई खिला रहा है, मुंह भर गया हर्ष का। अब मैं भी बांध लेता हूँ अपनी बहन के, जितनी बहन है सबके नाम से। बचपन में तो गांव में दोनों हाथ पूरे तरह भर जाते, लेकिन अब तो चलो सब दूर दराज हैं। और पहले फोम वाला राखी होता था इतना इतना बड़ा, तो पूरा फूल, अब फिर पतले वाले आ गया तो कम जल छटता है और हो भी जाता है, इसमें अच्छा लगता है। चलो तो सभी बहन को मेरा बहुत बहुत प्यार, दुलार, आशीर्वाद। हम सब यूं ही हंसी खुशी रहें और सभी को हमारे झारखंड फैमिली की तरफ से बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं।